हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी लिटिल ट्यूटर पर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टू का इंग्लिश का यूनिट 10 का स्टोरी, जिसका नाम है द ग्रास हॉपर एंड द एंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस स्टोरी को। वंस देयर लिव्ड अ लेजी ग्रास हॉपर। एक बार वहां पर रहता था एक आलसी ग्रास हॉपर, एक आलसी टिड्डा। टिड्डा एक टाइप का ग्रास हॉपर जो होता है वो एक टाइप का इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, जैसे चींटी होती हैं, चींटे होते हैं, उसी टाइप का। ही डिडंट लाइक टू वर्क। उसे वर्क करना, काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, जैसा कि आपको पहले ही पता चल गया होगा, क्योंकि वो आलसी था। तो इसलिए उसको तो काम करना पसंद होगा नहीं, क्योंकि वो आलसी था। ऑल डे लॉन्ग ही सैंग सॉन्ग्स। पूरे दिन वो केवल गाने गाता रहता, एंड प्लेड और खेलता रहता। इन द वार्म सनशाइन, कहाँ पे गरम धूप में वो केवल गाने गाता रहता या तो वो खेलता रहता। ही लुक एट मी। अब वो हंस रहा है, बोल रहा है ही मेरी तरफ देखो। आई एम एज हैप्पी एज कैन बी। मैं इतना खुश हूँ जितना खुश मैं हो सकता हूँ। द ग्रास हॉपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्किंग एंट्स। जो ग्रास हॉपर था वो हंसा कड़ी मेहनत करने वाली एंट्स पर, चींटियों पर। एज दे वर्कड डे एंड नाइट, क्योंकि वह दिन और रात दोनों समय काम करती थी। वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड। हम इकट्ठे कर रहे हैं दाने, किस लिए? हमारी आगे की आने वाली सर्दियों के लिए हम दाने इकट्ठे कर रहे हैं, जो कि बहुत लंबे समय तक रहेगी। दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। द लेजी ग्रास हॉपर ओनली लाफ्ड लाउडर। उनके रिप्लाई से, उनके जवाब से उसने क्या किया, जो ग्रास हॉपर था, आलसी ग्रास हॉपर ने, जो वो हंस रहा था वो और जोर से हंसने लगा, बल्कि उसको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। समर एंडेड, और फिर गर्मियां खत्म हो गई। एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड, और जो सर्दियां थी, ठंडी ठंडी सर्दियां आ गई। द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग, और जो विंड थी वो तेज तेज चलने लगी। एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग, और स्नो गिरना, स्नोफॉल शुरू हो गया। द ग्रास हॉपर नाउ बिगेन टू वरी। अब जो ग्रास हॉपर था वो वरी करने लगा, वो चिंतित हो गया, वो चिंता करने लगा। देयर इज नो फूड टू ईट। अब यहाँ पर तो कुछ भी खाने को नहीं है, उसने सोचा। नो ग्रास, एक भी ग्रास नहीं है। नो फ्लावर्स और लीव्स, एक भी फूल नहीं है, या तो एक भी पत्ते नहीं है। आई कांट सी इवन द टाइनीस्ट फ्लाई और वॉर्म, और मुझे तो छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी नहीं दिख रहे खाने के लिए। वॉट विल आई डू, अब मैं क्या करूँ। देखिए, ठंडियों में, सर्दियों में कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, अपने अपने घरों में छिप जाते हैं, इसलिए उसे खाने को कीड़े मकोड़े भी नहीं मिल रहे थे, और सर्दियों में प्लांट्स नहीं उगते अधिकतर, है ना। आई विल श्योरली स्ट्राइव, और खासकर स्नोफॉल में। अब वो कह रहा है आई विल श्योरली स्ट्राइव, मैं निश्चित ही अब मैं भूखा रह जाऊंगा। ही क्राइड, वह रोया। लेट मी मीट माय काइंड नेबर, चलो मैं अपने दयालु पड़ोसियों से मिल लेता हूँ। द एंट, कौन था दयालु पड़ोसी? एंट यानी कि चींटियां। द ग्रास हॉपर रिमेम्बर्ड, ग्रास हॉपर को याद आया। हाउ द हार्ड वर्किंग एंट्स, कैसे जो हार्ड वर्किंग, मेहनती, कड़ी मेहनत करने वाली एंट्स थी, उन्होंने हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन्स फॉर विंटर। उन्होंने कैसे ग्रेन्स को, दानों को इकट्ठा किया था सर्दियों के लिए। ही नॉक्ड एट हर डोर, उसने नॉक किया उसके डोर को, एंट्स के डोर को उसने खटखटाया। डियर एंट, अब वो कह रहा है कि प्यारी चीटी, आई एम हंग्री एंड कोल्ड, अब मैं भूखा हूँ और मैं ठंडा हूँ। आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है। प्लीज कैन यू गिव मी सम फूड, क्या प्लीज क्या तुम मुझे कोई थोड़ा सा भी कोई फूड दे सकती हो। द एंट शुक इन
एंगर, और जो चींटी थी वो गुस्से से हिल गई और उसने क्या किया, वो सोची कि इसने तो गर्मियों में खूब मजे किए और मैंने इसको समझाया भी कि इसे भी इकट्ठा करना चाहिए, उसने जब जवाब दिया तो उसे भी करना चाहिए था, पर उसने नहीं किया, उल्टा अब वो आके मांग रहा है, तो अब वो इसलिए बहुत जोर से गुस्सा होगी, गुस्से से वो हिल गई। लेजी वन, तो अब वो क्या कहती है, लेजी वन, आलसी कहेंगे। व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर्स, तुम पूरी समर्स में, पूरी तुम गर्मियों में क्या कर रहे थे। यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, तुम केवल गाना गा रहे थे और तुम डांस कर रहे थे। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, तुम्हें सोचना चाहिए था तुम्हारे आने वाले सर्दियों के मौसम के बारे में। गो अवे, यहाँ से चले जाओ। शी स्लैम्ड हर डोर शट, और उसने अपने डोर को पटक दिया, मतलब जोर से बंद कर दिया। द लेजी ग्रास हॉपर वॉज लेफ्ट एज हैंग्री एज बिफोर, अब वो उतना ही, अब जो ग्रास हॉपर था अब वो उतना ही भूखा रह गया जितना वो पहले था। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसके कुछ न्यू वर्ड्स। तो पहला है हमारा हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मतलब होता है मेहनती। देखिए इसमें दो वर्ड छुपा हुआ है, हार्ड और वर्क, ये दोनों वर्ड हमारा छुपा हुआ है ना। देखिए हार्ड मतलब कड़ी और वर्क मतलब काम या मेहनत, तो कड़ी मेहनत, तो क्या मेहनती, इसको मेहनती भी कह सकते हैं या कड़ी मेहनत करने वाला। ओके तो चलिए अब हम सेकेंड वाले पे आते हैं, तो वो है अराइव, यानी कि आ गई या शुरू हो गई। फिर है हमारा स्ट्राइव। स्ट्राइव मतलब भूखा रहना, ओके भूखा रहना, जैसे कि ग्रास ऊपर भूखा रहा था। फिर है स्लैम्ड। स्लैम्ड मतलब पटक दिया या पटक देना। ओके फ्रेंड्स, लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ग्रास ऊपर स्पेंड हिज डेज, तो जो ग्रास हॉपर था वो अपने दिन कैसे बिताता था। जो स्पेंड है वो आपके लिए नया शब्द होगा, तो इसका मतलब होता है बिताना, गुजारना। ओके इसका मतलब क्या होता है, गुजारना। जो ग्रास हॉपर था वो अपने दिन कैसे गुजारता था, गर्मियों के दिन वो कैसे गुजारता था, बाय सिंगिंग एंड प्लेइंग। वो कैसे गुजारता था, वो गाने गाता रहता था और वो प्ले करता रहता था, खेलता रहता था। द ग्रास हॉपर, आएगा हमारा आंसर, द ग्रास हॉपर स्पेंड हिज डेज बाय प्लेइंग एंड सिंगिंग। तो चलिए अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिड द ग्रास हॉपर फाइंड फूड इन विंटर, क्या ग्रास हॉपर ने सर्दियों में, विंटर्स में ढूंढा था खाना, खाना को ढूंढा था, हाँ ढूंढा था। तो आंसर आएगा हमारा यस। फिर है हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द एंट टेल द ग्रास हॉपर व्हेन ही आस्क्ड फॉर फूड, जब उसने, जब ग्रास हॉपर ने एंट्स से फूड के बारे में खाना देने को कहा था, तब एंट ने उसे क्या बोला था। तो शी सेड, उसने कहा था, यू मस्ट थिंक फॉर विंटर्स अहेड, तुम्हें सोचना चाहिए था सर्दियों के बारे में जो आने वाली हैं। ओके तो आपको दिया गया है, फिर सर्कल द वर्ड दैट मींस द सेम, तो स्पीक और टॉक का मीनिंग सेम है, और कंप्लीट और फिनिश का मीनिंग सेम है, और स्मॉल और लिटिल का मीनिंग सेम है, और सिक और इल का मीनिंग सेम है, और बिग और लार्ज का मीनिंग सेम है ना, ये तो आपको पता ही होगा। ओके थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।